मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज अपन माते जो मोड है सॉरी मीडियम है, मीडियम के कुछ अलग टाइप का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या होता है बेटा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीवन बीमा एजेंट है जो 100 पॉलिसी बनाते हैं, 100 पॉलिसी बनाने के लिए निम्न आयु जो उनकी आयु होती है उनका आंकड़े लेता है। आंकड़ों के अंदर उन्होंने बताया कि 18 वर्ष या उससे अधिक परंतु 60 वर्ष से क्या है उसमें कम है, 18 वर्ष से अधिक हो सकता है और 60 वर्ष से क्या होते हैं कम उनके क्या देता है वो आंकड़े देता है। ऐसे क्वेश्चनों को चेक करने के लिए, जांच करने के लिए आप ये देखोगे कि कोई भी क्वेश्चन में संख्या का मान यानी जो जैसे 100 दिया हुआ है 100 दिया हुआ है और उस क्वेश्चन के जो हमें फ्रीक्वेंसी है बारंबारता के अंदर यानी जो मान होता है वो यदि 100 आ रहा है तो इसका मतलब हमें बारंबारता यानी f फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, वो एक कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। क्या तो उसमें लिखा हुआ होगा कि ये cf है या नहीं लिखा हो तो उसको पहचानने का तरीका एक ही है कि क्वेश्चन का जो मान का योग है जो संख्या नंबर है जैसे 100 है तो यहाँ भी क्या आ रहा है इसका 100 ही आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या होगी इसकी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी बारंबार संचित बारंबारता हमें दी हुई है, हमें क्या निकालनी इसकी एफ बारंबारता निकालनी है और फिर हम इसका क्या ज्ञात करते हैं माध्य ज्ञात करते हैं। पहले इसका वर्ग अंतराल बनाते हैं और पहले सोल्व करते हैं दोनों घटा मेरी बात ध्यान से कि पहले इसका वर्ग अंतराल बनाते हैं। अब वर्ग अंतराल किस प्रकार बनाते हैं इसका, क्वेश्चन कह रहा है कि 20 से कम हो सकता है तो अंतर कितने का है 5 का, तो 15 से अधिक हो सकता है कि 15 से 20 5 का अंतर आए दोनों मध्य कि 20 से कम और 15 से ज्यादा 18 बीच में ले रहे हो तो अगला हम लिख सकते हैं कि 20 से 25 यानी 20 से कहां तक आ सकता है 25 तक आ सकता है, फिर हम लिख सकते हैं 25 से 30 30 से 35 35 से 40 40 से 45 45 से 50 50 से 55 55 से 60 60 तक के भी लिए रखते हैं यानी 20 से कम अंतर कितने का आ रहा है इसमें अंतर कितने सब 5 का आ रहा है तो 5 का अंतर करेंगे तो कितने पे स्टार्ट होता है 15 से स्टार्ट हो रहा है कि 15 से लेके 20 तक 20 से 25 25 से 30 30 से 35 35 से 40 40 से 45 45 से 50 50 से 55 55 से 60 यानी ये मान हमें दिया हुआ है। इसके साथ ही हमें सीएफ दिया हुआ है संचित बारंबारता में दे रखी है, उसको चेक करने का तरीका ये था हमें कि संचित बारंबारता चेक करने का कि लास्ट का जो मान है वो उस मान में क्या है ये बराबर है, तो हमें दी हुई संचित बारंबारता 2, 6, 24, 45, 78, 89, 92, 98 और 100। अब हमें एफ निकालना है, क्या निकालना है इसका एफ, एफ निकालने के लिए बेटा देखो किस प्रकार निकालते हैं, एफ हमारे पास नहीं बाकी सारा मान हमारे पास है, सीएफ हमें दे दिया वर्ग अंतराल हमारे पास है तो हमें किस का मान चाहिए इसके अंदर एफ का मान चाहिए। अब एफ का मान किस प्रकार याद करते हैं यानी एफ का मान कैसे याद कर सकते हैं वो देखते हैं। एफ का मान याद करने के लिए इसमें आसान तरीका है कि पहला हम कैसे लिखा जाता है 2 है 2 लिख दिया हमने, अगले में ये हम क्या किया जाता है घटाया जाता है 6 - 2 बराबर कितने आएंगे 4, फिर अगले कितना है 24 तो 24 लिख दिया ऐसे कैसे उसके ऊपर वाला किसमें क्या कर दिया जाएगा घटा दिया जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा 18, फिर अगला कैसे लिखते कितना है 45 में 24 घटा देंगे 24 घटाएंगे तो हम देखेंगे 5 में 1 बच गया और कितने हो गए 21, देखो 5 में 4 गए तो 1 बच गया, 2 गए 4 में तो 2 बच गए। अगला मान क्या है 78 है और 78 में कितना घटाएंगे अपन उससे ऊपर वाला मान 45 घटाएंगे, 45 लेस करेंगे तो ये 3 बच गए बेटा यहाँ तो और यहाँ 4 गए तो यहाँ कितने बच गए 3 है 33 हो गए। अगला मान क्या है 89 है 89 माइनस 78 78 क्या करेंगे उसके अंदर लेस करेंगे तो देखो 9 में 8 गए तो कितने बच गए 1 बच गया और 7 में से 8 में 7 गए तो 1 बच गया 0 ना गए। अगला मान क्या है 92 है 92 लिख दिया 92 में क्या बैठाएंगे उससे ऊपर वाला मान कितना है 89 लेस करेंगे नहीं जाएगा 12 में 9 गए तो कितने बच गए 3 बच गए ठीक है और यहाँ पे 8 बच गए 3 आ गए। अगला मान कितना है 98 92 बैठाएंगे कितने बच गए 6 बच गए और लास्ट मान हमारे पास है कितना कि 100 में 98 घटाएंगे कितने बच गए 2 बच गए ये हमारे पास किसका मान आ गया एफ का मान हमारे पास प्राप्त हो गया।
अब यदि हम f के मान को योग करते हैं तो योग वही 100 आना चाहिए, यानी n का मान हम निकालते हैं जो इस योग के बराबर हो। किस ये cf जो होता है संचित 12 बार था उसके योग के क्या होती हो बराबर होना चाहिए। एक बार फिर वापस रिवाइज कर रहा हूं, किस प्रकार हटाते हैं पहला अंक कैसे किसके हटाते हैं वो लिख दिया हमने, उससे अगला अंक लिख लिए उससे ऊपर वाले अंक को हटा दो उसमें से, तो 6 आया, 6 में से घटाया 2 घटाया, अगला कितना है 24 दिखा उससे ऊपर वाला कितना है 6 घटा दिया, अगला कितना है 45 ऊपर क्या है 24 घटा दिया, 78 लिखा 78 से ऊपर वाला अंक उसमें घटा दिया, 89 लिखा 89 से ऊपर क्या है 78 हम उसमें घटा दिया, 92 लिखा 92 से ऊपर क्या है 89 हम घटा दिया। यानी f प्राप्त करने की विधि है cf जोड़ते हुए प्राप्त करते हैं और f क्या करते हैं उसको घटाते हुए प्राप्त करते हैं। इतना योग देखते हैं 4, 2, 6, 6, 8, 14, 15, 15 और 3, 18, 19, 19, 19 और 4, 19 और 3 की बात करें तो 22, 22, 28, 28, 2, 28, 2 कितने हो गए बेटा 30, 30 की सुपर से भाई 3 घट गए, 3, 4, 4, 4 और 2, 6, 9, 10 यानी 100, जिसका मतलब हमारा मान भी क्या हुआ सही, ये 100, ये 100 का अर्थ क्या है बराबर। बाकी तरीका हमारा माध्य देखने का वही तरीका हो गया कि सबसे पहले हम n by 2 निकालते हैं, n by 2 ज्ञात करते हैं, n by 2 कितना है अपने पास 100 by 2 में आया कितना आएगा बेटा अपने पास 50 आएगा, तो उससे लेस करेंगे काटेंगे इसको। अब 50 हमें f में नहीं देखना, हम हमेशा देखते हैं उसी में देखेंगे, यानी cf में क्या 50 हो या फिर उससे अधिक मान हो। अब देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास cf में 50 हो या 50 कहीं नहीं दिख रहा, 45 से दिख रहे उसको जस्ट हम क्या कर लेंगे अंडर लाइन कर लेंगे और ब्रैकेट मत कर देंगे। हमें पता है कि cf में ठीक ऊपर का मान लिया जाता है, cf में ठीक ऊपर का क्या लिया जाता है मान लिया जाता है, ये पूरा ब्रैकेट हमारे पास तय होता है जिसमें ये किसका मान कहलाता है f का मान कहलाता है, ये किसका मान कहलाता है बेटा cf का मान कहलाता है, और ये किसका होता है l का मान होता है, टोटल मान हमारे पास प्राप्त हो गए। सूत्र जो होता है इसका वो होता है हमारे पास पहले तो मान है वो लिख लेते हैं अपन कि cf का मान हमें दे दिया कितना बेटा, cf का मान 45 दे दिया, f का मान हमें दे दिया कितना बेटा 33 दे दिया, और क्या बच गया बेटा एल का मान हमारे पास क्या है 35 है, बस क्या गई एच का मान हमारे पास अंतर, लेकिन कितने कितने का अंतर आ रहा है किधर से अंतर, जो अंतर समान है इसका तो 5-5 का अंतर इसके अंदर आ रहा है, तो एच का मान कितना हो गया 5 हो गया। सूत्र जो होता है हमारे पास मीडियम इज इक्वल टू होता है एल प्लस में एन बाई टू माइनस सी एफ बटे में एफ इंटू एच, ये एफ का मान होता है। सारी वैल्यूज के अंदर पुट करते हैं तो मीडियम इज इक्वल टू एल का मान कितना है 35 है प्लस में एन बाई टू का मान 50 है माइनस 45 है सी एफ का मान, एफ का मान हमारे पास 33 है, एच का मान गुणा कितना है बेटा 5 है, एम इज इक्वल टू 35 प्लस कितने बच गए बेटा 50 में 45 गए तो 5 बच गए बटे में कितना है 33 है गुणा में 5 से गुणा करेंगे तो हम कह सकते हैं m इज इक्वल टू 35 प्लस में 25 बटे 33। ये हमारे पास अब 25 बटे 33 जो माना है हमें इस मान का यदि हम इसमें भाग देते हैं 25 में तो ये भाग देते हैं साधा तरीके से अपन कि 25 में भाग दे रहे हैं भाग नहीं जा रहा कितने का 33 का दे रहे हैं भाग दो ऊपर 250 गए। अब देखो 33 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 250 आएगा इससे कम रह जाएंगे, इसे 4 से करते हैं 4 की 12 12 का 2 सर भाई 1 4 1 4 4 की 12 1 13 32 कम हो गए, हम इसे सीधे मल्टीप्लाई करते हैं 5 से 15 5 6 सर भाई 1 16 165 होते हैं ये कम है 8 से करते हैं 7 से 21 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
हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 35 प्लस 0.7 जोड़ेंगे, हमारे पास मीडियम को माना आएगा 35.7। अभी 35.7 मीडियम हम चेक करते हैं क्या उस वर्ग अंतराल के मध्य संख्या आती है 35 से 40 है, 35 से 40 के मध्य 35.7 है, क्योंकि है 35.7 किसके मध्य है 35 से 40 के मध्य है। इस प्रकार हम ऐसे कृत्रिम अनुवाह क्या करते हैं, जब हमें क्या दी हो CF यानी संचयन बारंबारता कॉम्प्लिकेटेड फ्रीक्वेंसी हमें दी हो तो उससे हम F निकालते हैं। F निकालने के बाद वही तरीका होता है जिस प्रकार अपन माध्य ज्ञात करते हैं। ये क्वेश्चन एक अलग टाइप से हो बेटा कि जब हमें CF दी हो तो उसमें हम क्या करते हैं F का मान हम ज्ञात करते हैं। अब एक क्वेश्चन हो रहेगा कि जब हम वर्ग अंतराल क्या हो हमारे पास S समान हो तो उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व करते हैं, जो S समान वर्ग अंतराल है तो उस क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व किया जाता है, उस क्वेश्चन को आता है।
जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में मापी जाती है तथा इससे प्राप्त आंकड़ों को निम्न सारणी के रूप में निरूपित किया जाता है। एक सारणी के रूप में क्या कहते हैं वो निरूपित किया जाता है। अब इसमें क्या होता है बेटा, क्वेश्चन तो हमें सही दिख रहा है पर इसमें देखो कि 118, 126 से सीधा क्या हो रहा है, आना चाहिए था कि 26 बना कितना आ रहा है 127, फिर 135, 135 सीधा कितना आ रहा है 136, अरे एक अंक का बढ़त क्या आ रहा है, 144 से कितना आ रहा है सीधा 145, यानी एक अंक बढ़ गया। 153 नहीं तो 153 से कितने आना चाहिए, यहां पे 153 आना चाहिए पर आ कितना रहा है 154, यानी एक अंक क्या आ रहा है इसमें बढ़ जा रहा है। 162 से एक अंक बढ़ कितना हो गया 163 हो गया, 173 से एक अंक बढ़ के कितना हो गया 172 हो गया, यानी एक अंक की क्या होती है इसमें वृद्धि होती है। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमें सिर्फ ये देखना है कि कितने अंक की वृद्धि होती रहती है, जैसे एक अंक बढ़ा है इसमें, इसमें भी एक अंक बढ़ रहा है, इसमें भी एक अंक बढ़ रहा है, एक के जो अंक आता है जैसे एक आए दो आए तीन आए चार आए, जितना भी अंतर आता है जितने अंतर बढ़ता हुआ आता है उस अंतर का आधा कर दिया करो। जैसे अपने पास एक आ रहा है, एक का आधा करेंगे दो का भाग देंगे तो हमारे पास 0.5 मान आएगा। जैसे मान लो दो अंक की बढ़ोतरी आती है, दो का आधा करके कितना आता है एक आता, तीन अंक बढ़ के आते 1.5 आता, चार बढ़ के आते कितना आता उसका आधा 2 आ जाता। तो जो आधा करते हैं उस मान को निम्न वर्ग अंतराल में, जो निम्न होता है ये तो निम्न हो गया, निम्न सीमा हो गई, ये तो होती है कैसी होती है उस सीमा हो गई, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट में तो उसको घटा दिया जाता है और अपर लिमिट यानी अधिक में क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है। जोड़ के हम एक वर्ग अंतराल मान लेते हैं, वर्ग और वर्ग कैसे प्राप्त करते देखते हैं बेटा कि 118 में 0.5 घटाएंगे, 118 में पॉइंट लगा के 0.5 अपन घटाएंगे, 10 में से 5 के ये 17 बच गया, 117.5 यानी घटाए तो 117.5 आ गया, ठीक है। इस वाले लाइन में घटाएंगे, इस वाले लाइन में क्या कर देंगे जोड़ देंगे, 126 में जोड़ेंगे तो 126.0 और 0.5 जोड़ेंगे तो 126.5 यानी ये आ गया 126.5। अगले में 127 में घटाएंगे, 127 घटाएंगे देखते हैं, एक और घटा देते हैं 127 में घटाएंगे 0.5 लगा के 0.5 घटाएंगे 5 में 10 में 5 के तो 5 बच गए या 6 बच गए यानी 126, यानी ये मान अपने आप सेट हो जाएगा 126.5। घटाने की जरूरत नहीं है इस वाले लाइन में, घटाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जोड़ने की जरूरत है, आप जोड़ोगे कितना होगा 135.5। अगला 135.5 जोड़ोगे 135.5 में 144 में तो हम लिखेंगे 144.5। अब अगला इसमें घटाएंगे तो ये आएगा 144.5 और इसमें जोड़ेंगे तो कितना आएगा 153.5। 153.5 माइनस 162.5 इसमें जोड़ दिया, इसमें घटाएंगे तो हमारे पास वही आएगा 162.5, इधर जोड़ेंगे तो 171.5, इसमें घटाएंगे तो 173 आएगा 171.5, इसमें जोड़ेंगे तो 180.5। अब इसमें देखते हैं कि सारे वर्ग अंतराल क्या हो जाता है, हमारे पास समान हो जाता है, समान वर्ग अंतराल प्राप्त होगा। देख लो कहीं भी अंतर देखेंगे अपन, नौ का अंतर आ रहा है 117.5 हमारे पास कितना आ रहा है, देखो 117.5 घटाएंगे 126.5 जीरो, 16 में 7 गए तो 9 कितने का अंतर है 9, यानी हमारे पास अंतर कितने का आ रहा है हमारे पास बड़ा अंतर, हमारे पास क्या बन गया बेटा समान बन गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फिर एक बार वापस रिवाइज कर रहा हूं कि असमान जो वर्ग अंतराल होता है तो उसमें से कितने का अंतर बढ़ रहा है, देखते हैं कि एक का अंतर बढ़ा एक का बढ़ा, क्योंकि 126 आ रहा है 27 आ रहा है तो एक बढ़ के आ रहा है, 135 आ रहा है 136 आ रहा है तो एक बढ़ के आ रहा है, तो दो होता है उसी का क्या कर दो आधा कर दो, आधा कर 0.5 आया, इस वर्ग अंतराल में घटा दो, इसमें क्या कर दो उसको जोड़ दो, तो हमारे पास ये मान प्राप्त होता है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास एफ का मान दिया हो उसको कोई चेंज नहीं करना, उसको ऐसे के लिखना है हमें कि 3 है 5 है 9 है 12 है 5 है 4 है 2 है, यानी फ्रीक्वेंसी का योग करेंगे एन, जो हमें बता रहे क्या भी है 40 पत्तियां तो इनको जोड़ेंगे 40 होगा नहीं होगा, 8, 3, 5, 8, 8, 9 की बात करें 17, 17, 2, 19, 19, 5 की बात करें कितने हो गए 24, 28, 2, 30 की सुपर चल पाए 3, 1, 4, 40 आ गए। अब हम फ्रीक्वेंसी इसकी निकालते हैं कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी सी एफ निकालते हैं संचयी बारंबारता,
संचित बारंबारता याद करते हैं तो जोड़ दो पहला अंक, तो ऐसे कैसे आता है, पहले अंक में इसमें हम जोड़ेंगे कितने हो गए 3, 8, 5, 3, 3, 5, 8, 8 को जोड़ेंगे इसमें 9 में, तो 8 को 9 में जोड़ेंगे कितने हो गए 17 हो गए, 17 जोड़ेंगे कितने में 12 में, 12 जोड़ेंगे कितने हो गए अपने पास 29 हो गए, 5 जोड़ेंगे तो हमारे पास हो गए 34 हो गए, 4 जोड़ेंगे 38 हो गए, और 2 जोड़ेंगे कितने हो गए 40, दोनों योग क्या आ रहे हैं अपने पास समान आ रहे हैं, इसका मतलब संचित बारंबारता भी हमारे क्या आएगी सही थी। अब वही तरीका अपने पास है जो पुराने तरीके से निकाल लेते हैं अपन की, पहले n / 2 ज्ञात करते हैं, n / 2 ज्ञात करेंगे तो कितना होगा 40, 40 / 2 ज्ञात करेंगे कितने होंगे 20, 20 CF में देखते हैं कि क्या तो 20 हो या उससे अधिक हो, कम नहीं होना चाहिए, तो 20 हमारे पास यही दिख रहा है, 20 से अधिक क्या होता है इसके अंदर, 20 से अधिक है अपने पास 29 है, उसके अंदर रहता है 2 बटा, और वही L आकृति बना दो, इसमें L आकृति बन जाए, L आकृति में सारा मान है कि जो मान है उससे ऊपर के जो ठीक मान होते हैं वो CF होते हैं, F होता है, F की टेबल में F होते हैं और L निम्न सीमा होती है, टोटल मान हमारे पास है एच वर्ग अंतराल 9 पर लिया अपने, 9 पर अंतराल आ रहा है इसके अंदर, CF हमारे पास कितना आ रहा है 17 आ रहा है, CF 17 हो गया, F हमारे पास कितना आ रहा है 12 आ रहा है, और L हमारे पास कितना आ रहा है 144.5। हम सूत्र में लिखेंगे कि M इज इक्वल टू L प्लस N बाई 2 माइनस CF बटे में F गुणा H, मान रखेंगे m इज इक्वल टू l का मान 144.5 है, n बाई 2 का मान कितना है 20 है, माइनस cf का मान कितना है 17 है, f का मान कितना है 12 है, गुणा में कितना है 9, m इज इक्वल टू 144.5 है 3 + 3 = 12 गुणा 9, 9 से गुणा करेंगे तो m इज इक्वल टू 144.5 गुणा में बच गए अपने पास 9, 9 * 27 बटे में 12, 12 का भाग देते इसके अंदर, तो इसमें क्या करते हैं इसको जोड़ देंगे प्लस देते हैं, क्या करते हैं इसके अंदर भाग देके जोड़ देंगे, तो तुम्हारा क्या होगा लास्ट में आंसर होगा। तो ये हो गया अपने पास आज माध्यमिक जो होती है अपने पास, मीडियम की बात कर रहे हैं, मीडियम के सारे क्वेश्चन हम सोल्व कर लें, जैसे भी कोई टाइप के क्वेश्चन थे अलग टाइप के जो तीन प्रकार के थे, तीनों प्रकार के क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके, इन क्वेश्चनों को देखते हुए जो अन्य क्वेश्चन अपने पास बुक के अंदर है शेष क्वेश्चन है उनको भी आप क्या करोगे सोल्व करोगे, और बाकी क्वेश्चन की बात करते हैं अपन जो नेक्स्ट चैप्टर होगा अपना मोड होगा बहुलक होगा उसकी बात करेंगे अपन कल के वीडियो में। धन्यवाद।